नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके लिए आपके ही जीवन काल में एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ, ऐसी खुशियों का पैगाम लेकर आया हूँ जिन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, दोस्तों उनके भी जीवन काल में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि वह कौन सी जानकारी है, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जानकारी उन लोगों को बिल्कुल भी कानों कान खबर होने मत दीजिएगा जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को हमने पिछले कई वीडियो में बताए हैं कि बुरे दौर की शुरुआत ही आपको यहीं से होती है। तो दोस्तों बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देव के राजा भगवान श्री इंद्रदेव अब आपके कुंडली में करने वाले हैं बहुत ही बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम 4:20 के बाद से आप सभी की कुंडली में गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह लाभ की स्थिति में आने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आपको अचानक से लाभ की ऐसी स्थिति देखने को मिलेंगी दोस्तों, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ज़्यादा उछलने का समय नहीं है, बस सावधानी पूर्वक अपने कार्य को निकालने का समय है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण समय आप सभी के लिए देवों के राजा भगवान श्री इंद्रदेव, गुरु ग्रह बृहस्पति और शुक्र देव यानी माता लक्ष्मी लेकर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके जीवन काल को पूरी तरह खुशियों से भर देगा। दोस्तों आपको बता दें कि आज शाम 4:20 के बाद से ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने वाली है मानो सुनकर आपके पूरे परिवार खुशी में नाचने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, झूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आप शिव को बता दें कि अब से या समय से आपके जीवन काल में आपको जो जो लाभ मिलने वाले हैं, जो जो खुशखबरी मिलने वाले हैं दोस्तों, वाकई में आपके जीवन काल को पूरी तरह बदल देंगी। जी हाँ दोस्तों, और वो बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी है, वे लाभ आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं, इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, खासकर आपके जीवन काल के लिए, जो आपने पिछले समय इतने मेहनत किए हैं उनके सभी फलों के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख ही लीजिएगा, कि दोस्तों बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में वीडियो को आधे अधूरे देखकर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, और बाद में उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाती है जिनकी वह कामना करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमारी कोई भी गलती नहीं होती है, अनजाने में गलती आपसे ही होती है कि आप जल्दबाजी में बातों को समझ नहीं पाते हैं और जो कार्य आपको करना चाहिए वो कार्य आप नहीं कर पाते हैं, जिनका फल भी आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हमारा पूरा आपसे विशेष निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों आपके द्वार पर अब खुशियों का ढिंढोरा बजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग आपके पीठ पीछे बुराइयां करते थे, जो आपसे ईर्ष्या करते थे दोस्तों, वो लोग अब देखते ही रह जाएंगे। गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह आपके लिए ऐसे चमत्कार करेंगे, ऐसे स्थितियों को निर्माण करेंगे जिनसे दोस्तों आपके सारे पड़ोसी आग की तरह जलेंगे, और दोस्तों आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में ऐसी सफलताएं अब आपको मिलने वाली है, आपके रुके कार्यों में ऐसी तेजी आने वाली है। दोस्तों यकीन मानिए, घोड़े से भी तेज अब आपकी किस्मत दौड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी तर्क की देख सभी लोग देखते रह जाएंगे, सभी लोग सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कैसे इनके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है। आप सभी को बता दें कि जो लोग इस राशि के जातक हैं और पिछले कई समय से बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार भी थी वो रोजगार भी चली गई है, और दोस्तों पिछले कई समय से पेशों को लेकर समस्याएं झेल रही है, दोस्तों अब आपको बता दें कि अब से आप सभी के जीवन काल में ये समस्याएं खत्म होंगी, और दोस्तों जो भी धन से जुड़ी दिक्कत है
धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, आज शाम 4:20 के बाद से वे समस्याएं आप देखेंगे कि धीरे धीरे लुप्त होती जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बशर्ते जो बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, उन बातों को आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में अगर आप किसी और के कहे पर चलेंगे, किसी और पर विश्वास करेंगे, तो दोस्तों ये ग्रहों की स्थिति आपको साथ नहीं देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान श्री इंद्रदेव और माँ लक्ष्मी आपकी कुंडली के लिए जो ग्रहों की स्थिति बना रहे हैं दोस्तों, वे वाकई ही आपके जीवन काल को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों ऐसे में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको अब आने वाले 24 घंटों में बस ध्यान रखने हैं, इनके बारे में हम बहुत ही विस्तार तरीके से आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी के, इंद्रदेव के और माँ लक्ष्मी के जो भी प्रिय भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक सच्चे मन से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी और महालक्ष्मी का असीम कृपा दृष्टि आपकी जुनकाल पर होगी, समस्याएं आने से पहले खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यश में कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, साथ ही सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। आपको बता दें कि आप किसी विशेष प्रयोजन को हासिल करने में भी सक्षम रहेंगे। आपको बता दें लोग आपकी योग्यता की यश में कायल होंगे। कई प्रकार की रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिल सकती है, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में जो भी पेशा फंसा हुआ है यश में आपको मिल सकता है। परंतु दोस्तों यश में सावधानी की बात करें तो यश में ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको लक्ष्य से भटका सकता है। तो दोस्तों यश में इन बातों पर आप गौर करें। दोस्तों मन को समृद्ध रखें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, कोई निर्णय लेने में दिक्कत तो आएगी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, उनमें सुधार आएगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यात्रा से संबंधित निर्णय में थोड़ा बदलाव आ सकता है। यात्रा करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज और पैसे को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि आपकी लापरवाही की वजह से यश में नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। तो दोस्तों खासकर आपको बता दें यश में आपको इनसे सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों सतर्कता जरूर रखें। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए आपको अपने जीवन शैली में जो है थोड़ा सा बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। आपको बता दें घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव हो सकती है। किसी मित्र के दुख दर्द में या फिर उनके तकलीफ में उनकी सहायता करना आपको इसमें आत्मिक खुशी भी प्रदान करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क भी इसमें आपके बढ़ने वाले हैं, जो कि भविष्य में आपको आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी अथवा वाहन को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिजूल खर्चे पर यश में आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आकस्मिक ही कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे। योजना को जो है क्रियान्वित करने में कुछ परेशानी भी यश में आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जो भी हो उनकी गति आगे बढ़ते रहेंगे और परिस्थिति को आप अपने पक्ष में कर भी पाएंगे। आपको बता दें कि पैसे से संबंधित तकलीफें कम भी होंगी, क्योंकि दोस्तों आप अपने कार्यों में बहुत अधिक तरीके से ध्यान को केंद्रित भी कर पाएंगे। परिवार की व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित लाभ मिल पाना यश में के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। फिर भी दोस्तों व्यक्ति के प्रति मन में बढ़ते हुए रोष को खुद पर हावी न होने दें, इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि दोस्तों आपके अंदर बना गुस्सा और मानसिक तकलीफ होने की वजह से किसी भी बात पर पूरा ध्यान दे पाना यश में आपके लिए कठिन होगा, तो जरूर इन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थी तथा युवा वर्ग शिक्षा संबंधी कोई दुविधा दूर होने से आपको राहत महसूस होगी तथा अपने फैसले स्वयं लेने की हिम्मत भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि घर के बड़े सदस्यों का सहयोग और फिर सलाह आपकी उन्नति में सहायक साबित होंगी। आपको बता दें यश में अपने अंदर शक और वहम जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें, क्योंकि दोस्तों इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें, गलत जगह पूंजी निवेश भी हो सकती है, इस बात का यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें
कि बेवजह खर्चा होने की आशंका तो बन रही है, इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले सोच समझकर निर्णय लेने का आवश्यकता होगा, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हड़बड़ी में निर्णय न लें, ना ही पूरी बात को जाने बिना बूझे निर्णय लें। तो दोस्तों बहुत ही सतर्कता से निर्णय लें, यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काफ़ी दिन से चल रही व्यस्तता के कारण आप जो है यश में आराम करने के मूड में भी रह सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से मुलाकात आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में सोच विचार अवश्य करें, आपको अवश्य उचित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ध्यान रखें कि दोस्तों बहुत अधिक आत्मविश्वास भी आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकती है, इसलिए यश में शांत चित तरीके से परिस्थिति का मनन करें, आपको बता दें उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की किसी भी बात की जो है अवहेलना ना करें, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन संबंधी योजनाएं चल रही है तो दोस्तों उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, जल्द ही उचित परिणाम सामने आएंगे। परंतु ये जो समय है आपके लिए धन के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य ना करें, दोस्तों ये आपके लिए यश में महत्वपूर्ण होंगे, तो इस बात पर गौर करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियां समान ही रहेंगी, यश में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श भी होगा। नई पार्टियों से ऑर्डर लेते समय सोच समझकर निर्णय लें, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में कोई भी डील यश में संभव भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा, पुरानी यादें भी ताजे होंगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि घर परिवार का वातावरण यश में अनुशासित तथा व्यवस्थित बना रहेगा, आपसी संबंधों में भी मधुरता और उचित तालमेल बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक आराम भी आपको करना जरूरी है, इसमें कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालें और मनोरंजन आदि में समय को व्यतीत करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके साथ ही कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी होंगे जिनका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। मेडिटेशन तथा योगा भी आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे।